हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैप्टन पंजाबी रसोई में। आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी। सबसे पहले हम एक नॉन स्टिक पैन को गरम कर लेते हैं। हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होने पर उसमें बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लें और गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दें। अब इसमें लंबा कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। प्याज को भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। तो ये देखिए, प्याज भी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट तक हल्की धीमी आंच पर इसे पकने देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने पर मसाला और अच्छे से पकता है, तो इसे अब हम 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच कस्तूरी मेथी। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और कुछ 2 मिनट तक और पकने दें। देखिए, ये मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से हम मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। कुछ देर हम इसे और पकने देते हैं ताकि ये ऐड किया हुआ हरा धनिया भी अच्छे से पक जाए। ये हमारी सब्जी में एक अलग सा फ्लेवर देता है। देखिए, मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें सोयाबीन चंक्स ऐड करेंगे और इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। और ये देखिए, सोयाबीन की सब्जी तैयार है। अब इसे कोरिएंडर लीव से गार्निश कीजिए और गर्मा गर्म परोसिए।